मामा मैंने अपना सारा कुछ सेट कर लिया, मुझे सुबह 8 बजे उठा देना, 9 बजे मेरी क्लास है और मैं सोने जा रही हूँ। मेरे पास से अलार्म स्कूल वाले ने चाहिए। बजे से स्टार्ट करके 8 बजे तक लगा लेती हूँ। आज तो फाइनली 10 बजे लेती हूँ, कल सुबह 8 बजे उठूंगी और नाश्ता क्लास के दरमियान नहीं होगा। शुक्र हम मुझे सो जाना चाहिए। इतना टाइम है, मैं ख्याल से थोड़ा सा मोबाइल यूज कर लेती हूँ, कुछ नहीं होगा। एक बज के सो जाना चाहिए। सबका मैंने नाश्ता बनाना है, अब उठ जाओ। तुम अलार्म लगा के छोड़ देगी, पूरे घंटे से अलार्म बजे जाएंगे, लेकिन मजा नहीं चाहिए। वादे तो तुझे जा रही हूं। नाश्ता बन गए, 8:30 हो गए, अब तुम टेबल पे पहुंच जाओ। पूरा मोहल्ला उठ चुका है तुम्हारे अलार्म से, उठ जाओ। ठीक है, तुम यहाँ पड़ी रहो, जब तुम्हारी क्लास शुरू हो जाएगी ना फिर तुम उठ जाना, हम जा रहे हैं नाश्ता करने, उसके बाद तुम्हारे अब्बू ने निकलना भी होता है। अल्लाह हाफिज़। सो रहो यहाँ। पौने 9 हो गए हैं, अब तुम उठ जाओ, मैं खुदा का वास्ता है, इसके बाद मैं नहीं आऊंगी उठाने। 9 बजे तुम्हारी क्लास है, फिर तुम लेते ही रहना, तुम सोए सोए क्लास लेना। अभी तो उठ गई थी, फिर सो गई है यार। 9 बज गए, उठ जाओ प्लीज, उठ जाओ, हमारी क्लास शुरू हो गई होनी है, उठ जाओ। 9 बज गए, मुझे किसी ने नहीं उठाया, मैं नहीं बोलती किसी से, कोई नहीं उठाता इस घर में मुझे। इसकी चार्जिंग भी खत्म है। नफीसा, मेरा लैपटॉप ला दो। नफीसा, हैंड फ्री और डेटा केबल भी ला दो। और डेटा केबल शुक्रिया बहुत बहुत। वैसे हम जा
जाना है मुझे वॉशरूम। अच्छा कुछ खास पर हाथ रहे नहीं है, मैं चली जाती हूँ। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। सुहबा हक, आप क्लास में हैं? ये पैराग्राफ रीड करें। सुहबा हक क्या आप क्लास में हैं? मारिया, आप रीड कर दें। मुझे लगता है सुहबा कहीं चली गई हैं। किसका मैसेज आया है, आया है? हाँ जी बेटा, जी ये तुम्हारी एब्सेंट मार्क हो गई है जी। इससे तुम्हें पैराग्राफ की रीडिंग का बोला, तुमने किया ही नहीं। जाहिर हमको तो यही लगना था कि तुम छोड़ के चली गई हो कहीं, या किचन में आ गई हो, या किसी और जगह हल्ला गुल्ला करने इधर उधर हो गई हो। यार मतलब 2 मिनट के लिए वॉशरूम जा सकते हैं। टीचर को समझना चाहिए कि मैं वॉशरूम गई थी या पीछे से, अगर उन्होंने उसी वक्त बुलाया है मेरा इस पर कोई कसूर नहीं है। ये गलत बात है, मेरी एमी एब्सेंट मार्क हो गई है। हाँ नहीं तो यार मैंने ना अपनी बुक साइड पर रखी है। इसके अलावा भी जब भी टीचर को क्वेश्चन कर रहा ग्रुप में, जिसको भी उसका आंसर आता ना प्लीज मुझे मैसेज कर देना, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। ओके, पूरी तैयारी हो गई, अब आराम से बाय बाय। यार देखो, मैं ना आज क्लास नहीं ले सकती, ठीक है? मेरी कजिन वगैरह आई हुई है, तो हम लोगों का ना थोड़ा प्लान है बाहर बाहर जाने का। तो ऐसा करना, तुम अपने मोबाइल पे मेरे नाम से क्लास लगा लेना, और लैपटॉप से तुम अपने नाम से ले लेना, ठीक है? देखो लास्ट टाइम मैंने भी तुम्हारी ली थी ना क्लास, अब तुम मेरी। अच्छा बहन, ले लूंगी, टेंशन ना लो। तुमने ली थी, मैं भी ले लूंगी तुम्हारी। आज मैंने अपनी बड़ी बहनों को एक्सपोज कर दिया। आप लोगों ने ये स्किट देखी, उम्मीद है आपको अच्छी लगी हो। ये मेरी बहनों के हालात थे, क्योंकि मेरी ऑनलाइन क्लासेस जूम पे नहीं होती, हमारी गूगल क्लासरूम में रिकॉर्डेड लेक्चर्स आ जाते हैं, वहाँ से हम देख लेते हैं। और वैसे मैं नहीं देखती लेकिन खैर है, मैं काम बहनों से समझ लेती हूँ। तो ये मेरी बहनों के हालात थे। आपने कुछ ऐसे और हालात जानने हैं या और देखना है कि क्या किया जा सकता है ऑनलाइन क्लासेस में, और क्या क्या होता है, तो उसके लिए मुझे कमेंट्स में बताएं। इसका पार्ट 2 चाहिए अगर आपको। सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल नोटिफिकेशन, लाइक द वीडियो, कमेंट कि आपको ये कैसी लगी और आपको पार्ट 2 चाहिए या नहीं चाहिए। और मुझे इंस्टा पे फॉलो करना मत भूलिएगा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अगले स्किट या व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा।